आज हम बनाने जा रहे हैं खाजा। पुरी के जगन्नाथ देव का वन ऑफ द फेवरेट प्रसाद है ये खाजा। तो चलिए शुरू करते हैं खाजा बनाना। खाजा बनाने के लिए हम ले रहे हैं 2 कप मैदा, 2 टेबलस्पून घी, 1 कप मैदा, 1 टेबलस्पून घी। तो मैंने 2 कप मैदा लिया तो 2 टेबलस्पून घी लिया। आप इसे अच्छे से मसल मसल के हम 2-3 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। अच्छे से मसल मसल के मिक्स करना है। देखिए 3-4 मिनट मैंने मसल मसल के मैदे को घी के साथ मिला लिया। अब मैदा ऐसे हाथ में आप दबाएंगे तो ऐसे गोला बन जाएगा, मतलब आपका मैदा का मिक्स बिल्कुल सही हुआ है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके चिल्ड फ्रिज का पानी थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। आप नॉर्मल पानी भी यूज कर सकते हैं, तो चिल्ड पानी यूज करने से ये थोड़ा ज्यादा खस्ता होता है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और ये ज्यादा सॉफ्ट डो हम नहीं बनाएंगे, तो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी यूज करेंगे। देखिए हम मैदे को गूंथ लिए और हमें पूरा 1 कप पानी नहीं लगा, 3/4 कप पानी लगा। इसी कप का 2 कप मैंने मैदा लिए थे और 2 टेबलस्पून घी। टेबलस्पून मतलब 15 ml, तो 30 ml हमने घी लिए और 2 कप मैदा और 3/4 कप इसमें पानी लगा। अब हमारा मैदा गूंथ चुका है। अब एक कपड़ा, गीला कपड़ा लिया और इसको अच्छे से ढक के हम 20 से 30 मिनट तक इसको रेस्ट कराएंगे। 20 मिनट हो चुका है, हमारा डो अब रेडी हो चुका है। अब और 2-3 मिनट के लिए हम इसे गूंथ लेंगे। अब हम इससे जैसे आटे के गोले करते हैं ऐसे 4 गोले कर लेंगे। अब हम गोले को बेलेंगे। थोड़ा सा मैदा डास कर लिया, अब गोले को बेलेंगे। जितना पतला हम बेल सकते हैं उतना पतला हम बेलेंगे। हमने बेल लिए, देखिए इतना पतला बनेगा, ये इतना पतला बनेगा। ऐसे ही हम और 3 गोले को ऐसे रोटी बना लिए। अब हम एक बोल लेंगे, बोल में लेंगे 1 टेबलस्पून घी और 1 टेबलस्पून चावल का आटा और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आपके पास अगर चावल का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप चावल के आटा की जगह पे मैदा भी यूज कर सकते हैं। ये इसको एक पेस्ट बनाएंगे। देखिए ऐसे एक पेस्ट बनेगा। अब इस पेस्ट को हम थोड़ा थोड़ा करके ये रोटी में लगाएंगे। पूरा रोटी में ऐसे अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे। अब ये अच्छे से स्प्रेड कर दिया, आप एक और रोटी लेंगे और इसके ऊपर ये रख देंगे। अब फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा पेस्ट डालेंगे, चावल का आटा और घी का पेस्ट, और इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। फिर से हम इसके ऊपर और एक रोटी देंगे और
फिर से वही वाला पेस्ट यूज करेंगे। इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और एक रोटी दे देंगे। मैंने चार रोटी यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो पांच छह रोटी भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही एक एक रोटी देना है, ऊपर थोड़ा सा स्प्रेड अच्छे से पूरा स्प्रेड कर देना है और दूसरा रोटी उसके ऊपर चढ़ा देना है। ऐसे ही आप छह सात लेयर तक कर सकते हैं। अब हम इसे रोल करेंगे। टाइट करके इसको आप रोल करते जाइए। देखिए ये हमारा बढ़िया लॉक बन गया। थोड़ा सा रोल कर लेंगे ऐसे। बस अब हम इसे काटेंगे एक इंची कैप करके काटेंगे। अब हम इसका एक पीस लेंगे और थोड़ा सा दबा देंगे। अब इसको हल्के हाथ से ऐसे करके बेल लेंगे। ऐसे ही हम सारे बना ले रहे हैं। ऐसे ही हमने सारे बेल लिए हैं और तेल भी चढ़ा दिए हैं। तेल बहुत गर्म नहीं होगा, हल्का गर्म होगा। और हमारा तेल हल्का गर्म भी हो चुका है, हमने एकदम सीम कर दिए है गैस। अब हम इसमें हमारा खाजा डालेंगे। ये धीमी आंच में पकता है, धीमी आंच में गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम पकाएंगे। धीमी आंच में इसको हम पकाएंगे। जब तक ये धीमी आंच में पक रहा है तब हम इसका चाशनी बना लेते हैं। शुगर सिरप या चाशनी बनाने के लिए हमने लिया 2 कप चीनी और 1 कप पानी। इसी कप का 2 कप चीनी लिया और इसी कप का 1 कप पानी। अब इसे हम एक स्ट्रिंग शुगर सिरप बनाएंगे। तो ये फुल फिल्म में चीनी गलने रख दिए। ये हमारा खाजा फ्राई हो रहा है और थोड़ा सा इसको फ्राई होना है। हमारा शुगर सिरप बन गया है। अब हम इसे थोड़ा सा चेक करेंगे ये 1 स्ट्रिंग बना या नहीं। तो हाथ पे थोड़ा सा लेंगे और देखेंगे स्ट्रिंग बन रहा है कि नहीं। ये थोड़ा स्ट्रिंग बन रहा है, देखिए 1 स्ट्रिंग बन रहा है। तो हमारा शुगर सिरप बिल्कुल रेडी हो गया है। हमने गैस फ्लेम ऑफ किया और इसको ढक के रख दिया। देखिए ये गोल्डन हो चुका है, ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब हम थोड़ा सा गैस फ्लेम हाई करेंगे। हाई फ्लेम में कोई चीज उठाएंगे तो उसमें तेल कम सोक होता है। तो फ्लेम हमने हाई कर दिया और 1 मिनट के लिए इसको और रखेंगे और उठा लेंगे।
इसको हम उठा लिए। अब हम हमारे खाजा को 4-5 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। 4 मिनट हो गया, हमारा खाजा थोड़ा ठंडा हो गया। अब हम इसे हमारा गरम शुगर सिरप में डालेंगे। ज्यादा देर तक नहीं, 2 से 3 मिनट तक हम इसको गरम शुगर सिरप में डालेंगे। अगर आपको लगता है शुगर सिरप ठंडा हो गया तो एक बार इसको फिर से गरम कर लीजिएगा। दो तीन मिनट हो गया है, अब हमारा खाजा को हम शुगर सिरप से उठा लेंगे। ज्यादा देर तक इसको शुगर सिरप में नहीं रखिएगा तो ये सारे शुगर सिरप सोक कर लेंगे और सौगी बन जाएगा। अब हमारा खाजा बिल्कुल रेडी है, इसको ठंडा होने दीजिए। उसके बाद आप इसे परोसिए